हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है क्या 7 सितंबर और आज हम साइंस का टेस्ट कवर करने वाले हैं 7वां। यदि आपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 छह पार्ट को नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए प्लेलिस्ट में, आपको NTPC ग्रुप डी 2019 टेस्ट सीरीज करके होगा, वहां पर आपको जाना है और उन सभी पार्ट्स को देख लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर NTPC ग्रुप डी, SSC, GD, आपके SI कांस्टेबल, MTS, SSC इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है साइंस की, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि लास्ट ईयर में आए हुए हैं और आपके आने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, बच गए हैं 9 और करते हैं टेस्ट को स्टार्ट। आपका कल का होमवर्क का क्वेश्चन था कि सबसे छोटी बोन है मानव में, तो डेफेंस इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, फर्स्ट स्टेप पी, जो कि कान में पाई जाती है। कान में 3 अस्थियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे छोटी होती है आपकी स्टेप पीज। आप लोगों ने किसी ने कमेंट्स नहीं किया, आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते मुझे इसका रीजन पता नहीं चल रहा। अब चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर और सीरीज का है आपका 122वां। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिए, पहला है DNA, दूसरा है प्लाज्मा, तीसरा है आपका RBC और चौथा है WBC। RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स और WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा DNA। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, DNA। जी दोस्तों, DNA आपके रक्त में नहीं पाया जाता, मतलब कि यह रक्त का घटक नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 123। तो दोस्तों, आज का 123वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शीत रक्त जानवर है। अब आपके ऑप्शन है, पहला मेंढक, दूसरा छिपकली, तीसरा मछली और चौथा सभी। बताइए सही उत्तर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए, सभी। जी दोस्तों, आपका मेंढक भी शीत रक्त प्राणी है, आपका छिपकली भी शीत रक्त प्राणी है, आपका मछली भी शीत रक्त प्राणी है। आ जाए तो इन तीनों को सही करना है, और कभी कभी एक भी पूछ लेता है, अधिकतर मेंढक के बारे में पूछता है कि मेंढक है शीत रक्त प्राणी या नहीं, ये सभी आ सकते हैं ना, तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर, जो कि है 124वां। 124वां क्वेश्चन है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है, पहला वसा, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और चौथा सभी। हाँ तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका क्या है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन वसा। जी दोस्तों, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 125। तो देखिए दोस्तों, 125वां क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में किडनी किस, किडनी मतलब कि डियर फ्रेंड्स आपको सभी को पता हो, जिसको हम गुर्दा भी बोलते हैं, किस प्रणाली का भाग है। आपके ऑप्शन है बस्ती, सेकेंड है पाचन, मतलब कि यहाँ पर जो मूत्र मार्ग होता है दोस्तों, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो, और दूसरा है पाचन तंत्र, तीसरा है श्वसन तंत्र और चौथा है तंत्रिका तंत्र। बताइए सही उत्तर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बस्ती या मूत्र मार्ग। जी दोस्तों, मानव शरीर में जो किडनी होती है वह आपका मूत्र मार्ग या मूत्र तंत्र, बस्ती तंत्र के अंतर्गत आती है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 126। तो दोस्तों, आपका 126वां क्वेश्चन है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है। अब आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला दूध, दूसरा सोयाबीन, तीसरा चावल और चौथा मछली। अब बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, चूंकि बात यहाँ पर शाकाहारी की है तो मछली तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाती है, बट फिर भी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट, दूध, मिल्क।
जी दोस्तों, यदि कोई शाकाहारी व्यक्ति है जो मांस मच्छी नहीं खाता, तो उसको फास्फोरस की पूर्ति आपका मिल्क करेगा, दूध करेगा। और सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा रहती है, तो सोयाबीन से उसको क्या मिल जाएगा? प्रोटीन। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। क्या है? जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है। दोस्तों, यहाँ पर प्रेषित की मिस्टेक हो गई थोड़ी, स्पेलिंग आप लोग कर लीजिएगा, साबित दूसरा लेगा। करता है, फर्स्ट है स्त्री एनाफ्लीज, सेकंड है एनाफ्लीज, और थर्ड है मेल एनाफ्लीज, और चौथा है सभी। अब आपको बताना है वो कौन सा मच्छर का वाहक है, स्त्री एनाफ्लीज, एनाफ्लीज, मेल एनाफ्लीज और सभी। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है स्त्री एनाफ्लीज। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज, नहीं तो मादा एनाफ्लीज बोला जाता है, यहाँ पर लिखा है स्त्री एनाफ्लीज, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया भी है जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफ्लीज के द्वारा ही होता है। जी दोस्तों, यही मच्छर आपके ब्लड में क्या एंटर करता है, आपके वायरस को, और उसके द्वारा प्रोटोजोअन बीमारी है डियर फ्रेंड्स मलेरिया, जो कि 1 से 2, 2 से 4 ऐसी वृद्धि करते हैं और आपके सेल्स डेवलप कर देते हैं पूरे शरीर में। इसी प्रकार से आपको मलेरिया हो जाता है, और मलेरिया भी 4 प्रकार के होते हैं, फैल्सीफोरम इत्यादि। किसी में 24 घंटे बाद बुखार आता है, किसी में 12 घंटे बाद, किसी में 6 घंटे बाद। इस टाइप से आपके मलेरिया के प्रकार हैं। चलिए दोस्तों, आखिरकार हम देख लेते हैं स्त्री एनाफ्लीज या मादा एनाफ्लीज मच्छर कैसा दिखता है। तो दोस्तों, यहाँ पर लग चुकी हैं इनकी तस्वीरें मादा एनाफ्लीज मच्छर की, आप अच्छे से जान लीजिए, पहचान लीजिए। दोस्तों, इसकी विशेषता होती है कि ये पूरा शरीर पे चिपक कर बैठता है। जी हाँ दोस्तों, और भी मच्छर होते हैं बट वो इस टाइप से नहीं बैठते। और डियर फ्रेंड्स, अब ये बैठ जाता है तो क्या इसके द्वारा कौन सा वायरस छोड़ा जाता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। जी दोस्तों, जो कि आपके ब्लड में एंटर करता है और दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करके पूरे शरीर में अपने कीटाणु फैला देता है, और इसी प्रकार से हमको मलेरिया हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मलेरिया कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, मच्छर है मादा यानी प्लीज वायरस छोड़ता है कौन सा, आपका प्लाज्मोडियम। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर, अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, आपका डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है आपका गला, आपकी नाक, आपका पेट, आपकी आंख, मतलब कि हम सबका। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट और सही उत्तर होगा क्या? गला। जी दोस्तों, जब जिस व्यक्ति को डिप्थीरिया रोग हो जाता है तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मतलब कि यह रोग गले में होता है। जी डियर फ्रेंड्स, आपका थायराइड और जे डिप्थीरिया दोनों गले के रोग हैं, यदि आ जाए कभी तो इसके आंसर गला होगा। अब देखिए, देखते हैं आखिर डिप्थीरिया रोग में पेशेंट कैसा दिखाई देता है और कैसी प्रॉब्लम रहती है। हाँ, तो दोस्तों, आप यहाँ पे इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि आपके गाल कुछ इस टाइप से सूज जाते हैं यदि आपको डिप्थीरिया की प्रॉब्लम हो जाती है और सांस लेने में होती है क्या प्रॉब्लम। जी दोस्तों, जिस पर्सन को डिप्थीरिया रोग हो जाता है उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, श्वास नली में सूजन आ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, आपका आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। क्या है ये देख लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक छूत की बीमारी नहीं है। जी दोस्तों, यहाँ पर जितनी बीमारी है छूत की है बट एक नहीं है, अब आपको बताना है वो कौन सी है। पहले आपका हिस्टीरिया, दूसरा है इन्फ्लुएंजा, तीसरा है टाइफाइड और चौथा है चेचक। तो दोस्तों, यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिस्टीरिया। जी दोस्तों, हिस्टीरिया एक अलग बीमारी है जो कि छूत की बीमारी नहीं है, और बाकी इन्फ्लुएंजा ये भी छूत की बीमारी है, टाइफाइड भी छूत की बीमारी है, चेचक भी छूत की बीमारी है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 130। दोस्तों आप लोग भी कमेंट करते जाए ताकि मेरे को पता चले कि हाँ कोई वीडियो देख रहा है, फोकस है अपने एग्जाम के प्रति। तो दोस्तों यहाँ पर है आपका 130वां, चेचक के टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी? आपके ऑप्शन है, पहला रोनाल्ड रॉस, दूसरा मेंडल, तीसरा एडवर्ड जेनर, चौथा लुई पाश्चर। बताइए क्या होगा सही उत्तर। तो दोस्तों आपको बता दें, आपका जो चेचक का टीका है इसकी खोज की थी आपके एडवर्ड जेनर ने, जो कि बार बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में आता है क्वेश्चन जी। दोस्तों आप इसको याद कर लें। और बाकी जो आपके मेंडल हैं इन्होंने तो की ही नहीं, रोनाल्ड रॉस ने। आपका जो मास्कीटो मलेरिया होता है, उसका जो मच्छर होता है, उसकी खोज की थी लुई पाश्चर ने भी, एक अलग खोज की थी, बट एडवर्ड जेनर ने यहाँ पर आपके चेचक की टीके की खोज की थी। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं हम एडवर्ड जेनर की इमेज। तो डियर फ्रेंड्स, आपके समक्ष इमेज लग चुकी है और आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, जे हैं आपके एडवर्ड जेनर, जिन्होंने आपके किसके चेचक के टीके की खोज की थी। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक अब आपको याद करने में सहूलियत होगी। अब हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज का अपना अगला प्रश्न है, क्या है? प्रश्न संख्या 131। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। पहला है आपका श्वसन, दूसरा है परासरण, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण और चौथा है विसरण। तो जी डी एफ एस, इसका सही उत्तर होगा आपका पहला, श्वसन। जी दोस्तों, श्वसन के माध्यम से पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करते हैं और दिन में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण, सूर्य की उपस्थिति में सूर्य पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और यहाँ पर बात आई है परासरण की, तो परासरण एक अलग क्रिया है जो आप साइंस में पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत। परासरण का दोस्तों एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब आप नमक के घोल में किसको डाल देते हैं, अंगूर को, तो दोस्तों वो तुचक जाता है। और वहीं विसरण की बात करें तो दोस्तों, या फिर विसरण का एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं कि जो आपके बरसात के टाइम में दरवाजे लकड़ी के होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो वो विसरण का उदाहरण है। या फिर आपकी जो अगरबत्ती रहती है उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, ये भी एक विसरण का उदाहरण है, मतलब कि आपकी चारों ओर चारों दिशाओं में फैल जाना गैस का। चलिए हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 132। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इस बार हर एक एग्जाम में पूछा गया है। आपके एनटीपीसी से भी ये क्वेश्चन आया था, आपके ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन आया है, आपके एसएससी में ये क्वेश्चन आया है। अब बताइए क्या है? पहला है रासायनिक, दूसरा है यांत्रिक, चौथा है तीसरा है विद्युत और चौथा कोई नहीं। हाँ जी फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सही पहला, रासायनिक। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले। अब दोस्तों आप यांत्रिक और विद्युत तो समझते होंगे, अब इन चीजों को हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंतर्गत, या फिर फिजिक्स में आएंगे तो फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी हम इनको डिस्कस नहीं करने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, ऊर्जा से आपके क्वेश्चन एक दो बन ही जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 133। क्या है? पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नहीं का है, आप लोग जब भी क्वेश्चन को पढ़ें बड़े अच्छे से पढ़ा करें, क्योंकि जल्दी जल्दी में एग्जाम में हम क्या है पढ़ लेते हैं और वहां पे होता है नहीं है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, पहला सोडियम, सेकेंड कैल्शियम, थर्ड नाइट्रोजन एंड फोर्थ होगा आपका फास्फोरस। बताइए क्या है चार में से। हाँ जी दोस्तों, इसका सही और करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोडियम। जी दोस्तों, पौधे
पौधों को सोडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। बात करें कैल्शियम की तो होती है, नाइट्रोजन की तो होती है, और आपके फास्फोरस की तो होती ही होती है। दोस्तों आप यहाँ पर स्पेलिंग में ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि मैटर मैं ही तैयार करता हूँ तो इसमें टाइम लग जाता है और मिस्टेक्स हो जाती हैं। आप लोग सिर्फ आम खाएं, पत्ते ना गिनें। तो डियर फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, 134वां। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। आपके ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मतलब कि O2 या ऑक्सीजन। जी दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को छोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 135। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन है 135वां, पारा औद्योगिक यौगिक युक्त प्रदूषित मछलियां खाने से रोग होगा। मतलब कि जो मछलियां पारा युक्त हैं, पारा धातु उसमें पाई जा रही है, फिर पारा आरा जो कुछ आपका यौगिक रहता है वो मछलियों में है, तो समझिए कि आप उनको खाते हैं तो आपको कौन सा रोग हो सकता है। अब आपके ऑप्शन है फर्स्ट मिनीमाता, सेकंड खसरा, थर्ड पोलियो, फोर्थ घेंगा। तो दोस्तों यदि आप पारा युक्त मछलियां खाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी मिनीमाता डिसीज, मिनीमाता रोग की, ना कि खसरा की, ना कि पोलियो की। और घेंगा तो एक अलग चीज है जो आयोडीन की कमी से होता है। यदि आपके नमक में आयोडीन की कमी है तो आपको घेंगा रोग हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका 136वां, क्या है? 14 साल की आयु वाले बच्चों के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, अब बताइए क्या है? पहला है दूध, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है सभी। तो दोस्तों इसका सही और करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रोटीन। दोस्तों आपको बता दें, हमारी बॉडी में जो भी मसल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है, और खासकर चाइल्ड में जो कि 14 ईयर या 14 साल के हैं, तो उनकी बॉडी मसल्स डेवलप होने के लिए उनको प्रोटीन की भरपूर मात्रा की आवश्यकता होती है, जो कि अलग अलग दालों यानी दूध से भी मिलता है, लेकिन दालों में सर्वाधिक मात्रा में होता है, सोयाबीन में होता है आपका प्रोटीन सबसे ज़्यादा, और दोस्तों ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन है आपका 137वां। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन है 137वां, मानव ब्रेन में या फिर मानव ब्रेन कितने ग्राम का होता है? आपके ऑप्शन है 1450, दूसरा है 1350, तीसरा है 1250, और चौथा है 1650। तो दोस्तों आपको बता दें, आपका जो मानव मस्तिष्क है वो होता है 1350 ग्राम का। जी दोस्तों, 1.5 किलो के समथिंग 1350 ग्राम या 3 पौंड, यदि पौंड में आ जाए तो 3 पौंड, ग्राम में आ जाए तो 1350 ग्राम। जी दोस्तों, यह होगा आपका सही उत्तर। आप इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर, जो कि है आपका 138। अब क्या है आपका आज का 138वां क्वेश्चन, देख लीजिए। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन है, क्या हमारे भोजन में यहाँ पर संरचनात्मक लग गया रक्षात्मक है? डियर फ्रेंड्स, संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। आपके ऑप्शन है क्या विटामिन एवं खनिज, और दूसरा है आपका
वसा एवं प्रोटीन, तीसरा है आपका वसा और चौथा है प्रोटीन। बताइए सही उत्तर। तो दोस्तों आपको बता दें, संरचनात्मक या संरक्षात्मक, जो कि समझिए आपका मसल्स डेवलप अवलप यहाँ पर कोई काम नहीं करता, आपका जो प्रतिरोध तंत्र है उसकी रक्षा करता है, मतलब कि रोगाणुओं से आपकी रक्षा करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि आपके जो WBC होते हैं, श्वेत रक्त कण, जो कि प्रतिरोध क्षमता विकसित करते हैं या फिर रोगाणुओं से आपकी रक्षा करते हैं। जी दोस्तों, यही समझिए कि यही कार्य आपके विटामिन्स और खनिज करते हैं। जी दोस्तों, इनका शरीर में और कुछ कार्य नहीं होता, आप समझें कि आपको ऊर्जा मिल जाएगी विटामिन से, तो ये पॉसिबल नहीं है। ना आपको ऊर्जा मिलेगी, ना आपकी मसल्स डेवलप होगी, ना आपकी बॉडी ग्रोथ होगी। बट ये है कि आपका जो प्रतिरोध क्षमता है या फिर संरक्षात्मक क्षमता है, वो आपको विटामिन और खनिज से प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, आखिरकार आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 139। तो दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। दिया फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलेय होता है। बार बार आते हैं और आएंगे भी और आए भी हैं। तो डियर फ्रेंड्स आपको बता दें, आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मतलब कि विटामिन सी, सेकंड विटामिन डी, थर्ड विटामिन सी बी, फोर्थ विटामिन के। तो दोस्तों आपको बता दें, आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा क्या, थर्ड सी और बी। हालांकि यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया है, लेकिन जब सी और बी दोनों दिए हैं तो आपको तीसरा पर टिक करना होगा, क्योंकि ये दोनों ही विटामिन किस में मिले हैं, आपके जल में मिले हैं, और बाकी आपके डी के ई ए ये सारे विटामिन्स वसा में मिले होते हैं। अब दोस्तों आपको एक बात यहाँ पर याद करनी होगी कि जल में विले विटामिन्स कौन से होते हैं और वसा में फैट में विले विटामिन्स कौन से होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बन ही जाता है घुमा घुमा कर। तो चलिए दोस्तों आज हम इसकी ट्रिक भी देख लेंगे लास्ट में, ट्रिक आज की सेक्शन में। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है, रेशम का कीटाणु या रेशम का कीड़ा अपने जीवन के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। जी दोस्तों, उसी की हेल्प से आज हम सूती के वस्त्र पहन पाते हैं, रेशम के वस्त्र पहन पाते हैं, वो कीड़ा ही द्वारा धागा पैदा किया जाता है। अब वो क्या है, उसका जो बचपन होता है या वो जब उस अवस्था में होता है जब वो हमको रेशम देता है, प्रदान करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये बोला गया है, फर्स्ट प्यूपा, सेकेंड अंडा, थर्ड लार्वा, फोर्थ इमैगो। तो दोस्तों उसकी उस अवस्था को जिसमें वो रेशम देता है उसको बोला जाता है प्यूपा। जी दोस्तों, यह क्वेश्चन बार बार आता है और आपके एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने इसको लिया है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं आपके उस क्वेश्चन पे जो कि आपको दिया जाता है होमवर्क में। हालांकि देने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि किसी पे मैं या तो बनता नहीं है या तो जानबूझकर आप लोग कमेंट नहीं करते। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, क्या है, सभी नगरीय जनसंख्या की तुलना में किसानों में कौन सी बीमारी सामान्य है। आपके ऑप्शन है लंग्स रोग, पेट रोग, मोटापा या फिर कोई नहीं, इन तीनों में से आपको बताना है। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लें, सभी नगरीय जनसंख्या की तुलना में, मतलब कि जो नगर शहर में रहते हैं निवास करते हैं उनकी तुलना में जो किसान हैं गांव में निवास करते हैं और किसानी करते हैं, उनको कौन सी बीमारी होने का खतरा ज्यादा रहता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है लंग्स रोग, सेकंड है पेट रोग, थर्ड है मोटापा।
तो दोस्तों ये तो था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क में मिलता है। अब हम चलते हैं सेक्शन ट्रिक आज की। तो डियर फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अगली स्लाइड पर और आप देख सकते हैं ट्रिक आज की, और बॉक्स में डाली है एक ट्रिक जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ज्यादा कवर, वो ट्रिक ऐसी है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या था, जल में घुलने वाला विटामिन से, जैसे कि आपने बताया था विटामिन कौन सा, सी। जी दोस्तों आपको बता दें विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों ऐसे विटामिन हैं जो कि जल में विलेय होते हैं, जल में घुलते हैं, और क्वेश्चन इनसे बार बार आते हैं। अब क्वेश्चन ए भी बन जाता है कि वसा में घुलने वाले विटामिन से, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा विटामिन जल में घुलता है, कौन सा विटामिन वसा में घुलता है। तो डियर फ्रेंड्स सिर्फ आप कोई एक कर लो, या तो वसा में घुलने वाले याद कर लो ट्रिक की हेल्प से, या फिर जल में घुलने वाले याद कर लो ट्रिक की हेल्प से, लेकिन हम वो करेंगे जो है कम और याद होने में होंगे आसान। तो डियर फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं आपके वसा में, सॉरी जल में घुलने वाले विटामिन की ट्रिक। तो दोस्तों आपके मात्र एंड टोटल दो विटामिन ऐसे हैं जो कि आपके वसा में विलेय नहीं होते, मतलब कि जल में विलेय होते हैं, जिनका नाम है सी और बी। तो दोस्तों आज की ट्रिक क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको सी और बी को सब समझना है, मतलब कि जैसा हम सब लिखते हैं ना, सब जल में तैरना जानते हैं। आपकी ट्रिक है सब जल में तैरना जानते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि सब जल में तैरना जानते हैं। अब दोस्तों आपकी ट्रिक बन गई, आपको समझ में आ गई होगी, सबसे होगा सी और बी जल में तैरना जानते हैं, मतलब कि जल में घुलने वाले विटामिन। अब बात आती है आपका ए बी डी ई और के, ये सारे विटामिन आपके क्या होंगे, ये सारे विटामिन से डियर फ्रेंड्स आपके वसा में विलेय। इतने सारे विटामिन छोड़ के हमने सिर्फ दो कर लिए याद, और जे अपोजिट वाले हैं तो जे तो वसा में घुलेंगे ही घुलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स यदि आई हो आपको ट्रिक पसंद तो करें इस वीडियो को अभी लाइक। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 8।